अहमदनगरमध्ये महायुती भाजपचा 1.5 कोटी आमदार आला होता. त्यांनी त्याच्या भाषणामध्ये असं वक्तव्य केलंय की मी ज्या ज्या ठिकाणीवर गेलो त्या त्या ठिकाणी शटर बंद झाले. मी त्याला सांगू इच्छितो की सदर जे शटर बंद किंवा दुकाने आम्ही बंद ठेवली होती ती फक्त पोलीस प्रशासनाने आम्हाला विनंती केली होती त्यामुळं केली होती. आणि दुसरी गोष्ट, हे जे पोलीस प्रोटेक्शन होतं ना, तुझी काहीतरी गल्लत होती, गैरसमज होती. हे जे पोलीस प्रोटेक्शन होतं ना ते आमच्यासाठी नसून तुझ्यासाठी होता. जर तू 1.5 फुटाचा 1/2 फूट राहिला असता तर तुझे पप्पा जे सागर बंगल्यावर बसलेले त्यांना काय उत्तर दिलं असता, त्यामुळं ते पोलीस प्रोटेक्शन तुला दिलेलं होतं. दुसरी जी गोष्ट आहे, एका विशिष्ट समाजाचा जमाव जमवून जर तू पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये मुस्लिम समाजाला टार्गेट करत असाल तर याला मर्दांगी म्हणत नाही, याला शंड म्हणतात. तिसरी गोष्ट की प्रेषित मोहम्मद, जगाला शांतीचा संदेश देणारे मोहम्मद प्रेषित यांच्या विरोधात रामगिरी महाराजच नाही, देशातला कोणताही व्यक्ती जर चुकीचं वक्तव्य करत असेल, त्यांचा अपमान करत असेल, तर जे शब्द रामगिरीला वापरले ते शब्द वारंवार त्याला वापरण्यात येईल. आणि चौथी गोष्ट की जे तू सांगितलं ना 1.5 कोटी, की मी आल्यानंतर यांना भीती किती आहे, आता तूच विचार कर की मला इतकं भीती वाटली किंवा आम्हाला इतकी भीती वाटली का आज रविवार असून आम्ही आमच्या मुलांना शाळेतच पाठवू. नगर शहर में वो बुटका सा छोटा सा नन्ना मुन्ना कोई तो भी आया था, उसका नाम क्या, राने पीने कौन है, वो मुर्गी चोर बोलते उसको दिखता, वो आया था. उसने बोला मस्जिदों में से काट के मारेंगे. अरे बेटे, हम हमारे 15 साल के बच्चे, 2 बच्चे वहां खड़ते, उनसे 2-2 हाथ करने की तेरी लायक ही नहीं है, और तू हमारे मस्जिदों में काटने की बात कर रहा. अरे तू सिर्फ तेरे एरिया पुरता है, कहा तक ये तू तेरे पुलिस वाले हटा दे, हमारे 15 साल के बच्चे तेरे को बहुत हो गए, और तू यहां आ रहा का बोल रहा का, अरे तेरी लायक ही कितनी, तू बोलता कितना, तेको समझ रहा क्या, अरे हाइट के हिसाब से बात कर, जितना तेरा जिसम है ना बेटे, तू उतनी बात कर, तू आगे की बात मत कर बेटे, तू छोटा है अभी तक, मुसलमानों के बारे में बोलने की इतनी तेरी लायक ही नहीं कि तू मुसलमानों के खिलाफ में बात करेगा. तू कौन थे महाराज को सपोर्ट कर, वो कर, वो तेरा प्रश्न ले. तू अहमदनगर शहर में आज तक ऐसे लोग है जो इत्तेहाद पसंद करते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एक मेक के साथ रहते, एक मेक के साथ व्यापार करते, हमारी अहमदनगर की शांतता भंग ना हो. और ये जो बुटका आया, इसके बोलने पे ज्यादा इसको केयर करो ना को, इसकी लाइक नहीं है, छोटा सा है वो, बच्चा है वो, छोड़ देने का उसको उसके इस पे. आज वो अहमदनगर में आया था एक कुत्ते का पिल्ला, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, नेपाली. क्यों आया था वो झक मराने नगर में? हाँ, हमने उसका क्या बुरा करे जो यहां आके हमारे मजहब को टारगेट करके बुरे बुरे बातें बोल के चले गया? दो धर्म के अंदर तेढ़ निर्माण करने का सोच रहा क्या? क्या आलतू फालतू समझा क्या? कुत्ते के पिल्ले, हाँ, 1.5 फुटे छाटा, अदरक के पंजे, शान पत्ती करू नको बाबा. हम रहने वाले अहमदनगर के, जोश अहमद बादशाह का रखते, याद रख हमारी बात को. इस बार तो आया अहमदनगर, अगली बार आने नहीं देंगे. मैं अहमदनगर से बात कर रहा हूं, एक संतापेला नागरिक, मेरी बात को याद रख, जहन में रख. किसी के धर्म के बारे में बुरी बात मत कर. तेरे धर्म के बारे में हमने बुरी बात करे क्या? तू कौन होता हमारे को मस्जिद में से बाहर काट के मारने वाला? तेरे अंदर इतना दम है क्या? हाँ, आके तो बता, तेरा दम एक झटके में निकाल के बताएंगे. किसके सर पर इस दिश में बड़ा हो गया तू? कौन है तेरा पालने वाला? हाँ, मेरी बात को समझ, गौर और फिकर कर, माहौल को खराब मत कर. हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, संविधान को मानकर चलते हैं. हम स्कूल के अंदर प्रतिज्ञा पत्र पढ़े हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है.
हाँ, और तू भारत को तोड़ने की बात करता है। बस कर तेरा राजकारण, झूठा राजकारण। ये झूठे राजकारण के बलबूते किसको लेके चलेगा तू? हाँ, कौन सा मजहब तेरे साथ आएगा? अरे अकेला रह जाएगा, जिसने पैदा करा उससे तो डर। मरना है तीको भी याद रख, आज नहीं कल तीको भी मरना है। ऐसा बोलकर मैं मेरी बात खत्म करता हूं, लेकिन याद रख, किसी के मजहब के बारे में बुरी बात मत कर।